हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है अनबॉक्सिंग ऑफ प्राइम डेंट विजिबल लाइट क्योर कॉम्पोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल किट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉम्पोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल एक परमानेंट रेस्टोरेशन है और कॉम्पोजिट की फिलिंग करने के लिए हमें वेरियस स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले कैविटी प्रिपरेशन, देन हमें इचिंग करनी होती है, देन बॉन्ड अप्लाई करना होता है, देन फाइनली फिलिंग करके उसको क्योर करते हैं हम। सो लेट्स ओपन द किट। ये हो गई हमारी सारी कॉम्पोजिट सिरिंज। ये है हमारा इचेंट जो कि एसिड इचिंग टू सरफेस एसिड इचिंग के काम आता है, जो कि 37% फॉस्फोरिक एसिड है। हमें टूथ सरफेस पे इसको यूज़ करना है, देन इसको 15 सेकेंड बाद वॉश कर देना है। ये हम बेसिकली माइक्रोपोरोसिटीज कॉज करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ बॉन्ड, जो कि हम जब हमारे टूथ की एसिड इचिंग हो जाती है, पोरोसिटीज कॉज हो जाती है, देन उसके बाद हम बॉन्ड अप्लाई करते हैं, जिसको हम प्राइमर भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा बॉन्ड एप्लीकेटर, जो ब्रश है उसका हैंडल है और इसमें ये ब्रश टिप्स दी हुई हैं, तो हम इसको आराम से बार बार चेंज कर सकते हैं। डिस्पोजेबल है तो आराम से यूज़ करिए, उसको फेंक दीजिए, फिर न्यू लगा लीजिए। इस तरीके से ये ब्रश टिप लग जाएगी इसमें। ये हैं कुछ पेपर पैड्स जिसमें हम आराम से मटेरियल निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। जब हमें लगे कि हमारा मटेरियल ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या हमें आइडिया नहीं है, तो हम इसमें एक एक ड्रॉप निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए इसके कॉम्पोजिट शेड्स A1, A2, A2, A3, A3.5, B2 और ये इंसाइजल या फिर सी शेड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इंसाइजल थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है ना, तो इस जगह पर हमें ये यूज़ करना है। तो ये हो गए इसके सारे शेड्स। दिस कॉम्पोजिट किट इज़ स्पेशली रिकमेंडेड फॉर Class 3 एंड Class 5 कैविटीज़। कंपनी वाले बोलते हैं कि Class 1 और Class 4 में इसको यूज़ ना करें, और इसकी जो क्योरिंग है तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो आप लाइट शेड्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो लाइट शेड्स कौन कौन से हैं, A1, A2, C1, तो उन शेड्स के लिए आपको 40 सेकेंड के लिए इसको क्योर करना है, और जो डार्क शेड्स हैं जो कि A3, A3.5, B2, B3, B4, C3, C4, तो इन सबको आपको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है, तो इसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको यूज़ करने के बाद मैं इसके रिव्यूज़ देती हूँ। इसके साथ में जो ये बॉन्ड आया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा मैंने नोटिस किया कि बहुत अच्छे से बॉन्ड नहीं कर रहा है और फिलिंग जल्दी निकल रही है, और इसके जो ये कॉम्पोजिट मटेरियल हैं, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम आई कि ये थोड़ा कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं है। तो जो आप ऑब्टुरेशन के बाद परमानेंट फिलिंग मटेरियल करते हो, तो उस टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली Class 1, Class 2 कैविटीज में यूज करने के बाद मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज ये हैं। बाकी आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिए और देख सकते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एक अच्छा कॉम्पोजिट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।